वेलकम गाइस आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों आप भी अपने डेस्कटॉप अपने लैपटॉप में अपने फोल्डर को लॉक लगाना चाहते हो तो किस तरीके से लगाएंगे इस वीडियो में आपको बताने वाले है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अपने प्राइवेट फोटो अपने प्राइवेट डाटा होता है अपने फोल्डर में और आप गलती से डिलीट करते हो या आपका कोई फ्रेंड्स गलती से डिलीट करता है तो आपको लगता है कि मेरा जो फोल्डर है उसे मैं लॉक लगाना चाहता हूँ तो किस तरीके से लगाएंगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो आप हैं आप भी अपने फोल्डर को लॉक लगाना चाहते हो अपने डेस्कटॉप अपने लैपटॉप में तो किस तरीके से लगाएंगे हम आपको बताएंगे सबसे पहले आप कोई भी यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लीजिए तो यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है उसके बाद दोस्तों आपका फोल्डर जो भी होगा वहाँ पर आपको कोई जो आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आपको डाल देना है उस फोल्डर में यहाँ पर कोई इमेज में डाल के दिखाता हूँ तो यहाँ पर कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद उस फोल्डर में मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर आप अपना कोई भी डेटा होगा वहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए अपना डाटा यहाँ पर डाल दीजिए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी इस फोल्डर को देख सकता है लेकिन आप चाहते हो कि इस फोल्डर को कोई देखे भी ना और इसे डिलीट भी ना कर पाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर, पर जो फोल्डर है हमारा कोई भी यहाँ पर ओपन करता है और कोई भी डिलीट करता है तो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है लेकिन आप चाहते हो इसे डिलीट ना कर पाए तो क्या करना होगा चलिए आपको बता देता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो आपको भाई बता दूं आपको कोई भी नॉलेज जाना हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लीजिए या तो अपना कोई फोल्डर होगा वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पर आपको क्लिक करना है और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सारे यहाँ पर ऑप्शन को टिक मार्क लगा देना है और उसके बाद आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप यस कर देंगे और यस करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार रिफ्रेश करना होगा और यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर ओपन करेगा उस फोल्डर को तो यहाँ पर ओपन भी नहीं होगा और इस तरीके से एरर आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों इतना ही नहीं यहाँ पर कोई यहाँ पर आ, उस फोल्डर को डिलीट करना चाहता है या तो यहाँ पर डिलीट करने के बाद इस तरीके से एरर आ जाएगा और वो फोल्डर डिलीट भी नहीं होगा लेकिन आप चाहते हो कि इस फोल्डर को मैं ओपन करूँ तो किस तरीके से करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करेंगे उस तो आप ओपन नहीं हो पाएंगे इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उस तरीके से करना है प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और एडमिनिस्ट्रेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपने राइट किया था वो आपको अनटिक कर देना है और यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ओके प्रेस करना है ओके प्रेस करने के बाद फिर से आपको ओके प्रेस करना है और रिप्रेस कर देना है इस तरीके से आपका फोल्डर ओपन भी हो जाएगा और आप चाहते हो इसका डेटा आप हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो आप कोई चेंजेस करना चाहते हो और कोई भी चेंजेस कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपना जो भी फोल्डर है इस तरीके से डिलीट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से